आप बड़े दबंग लीडर हैं, आपने एक दिन ट्वीट किया था और आप अंडरग्राउंड हो गए थे कि पीटीआई की कोर कमेटी में कुछ गद्दार बैठे हैं, आप उन गद्दारों का नाम लेना पसंद करेंगे? ये सवाल का जवाब तो मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। नाम लेना पसंद करें? मैं आपको अर्ज करूँगा ना, मैं नाम लेने से घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि पार्टी के कुछ जो हमारे सीनियर अकाबरीन हैं, उन्होंने मुझे इससे मना किया है, तो लिहाजा अब आप मुझे लड़वाएं नहीं अपने पार्टी से, और जो फैसला उन्होंने किए हैं वो मुझे बसर व चश्म कबूल है। सर, काजी फायज ईसा से तहरीक इंसाफ को क्या उम्मीद है? काजी फायज ईसा साहब को हम मुबारकबाद देते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की लीगल कम्यूनिटी ये तवक्को रख रही है कि पाकिस्तान को जो चीफ जस्टिस मिला है वो सबसे पहले जो कार्रवाई मुनासिब समझेगा वो है अदालती जो निज़ाम जिसका शिराज़ा बिखर चुका है, और जो अदालती अहकाम जो हैं वो बार बार पांव तले रौंदे जा रहे हैं, और जो सबसे अहम मसला जो दरपेश है अदलिया को वो है कॉन्स्टिट्यूशन आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़ और इस तहफ़ को फराहम करने में अभी तक अदलिया आप सबको मालूम है कि वो अभी तक कामयाब नहीं हुई हैं। लोग गैर महसूस फील कर रहे हैं, लोग अदालतों में इस डर की वजह से नहीं जा रहे हैं कि अदालतें जो हैं उनको इंसाफ की फराहमी सिर्फ फराहमी नहीं है बल्कि उस इंसाफ पे अमल दरामद भी कराना है।